टॉपिक है वो बेसिकली हम टेबल्स को देखने लगे हैं, टेबल्स इन HTML। बेसिकली जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, टेबल किस तरह से होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं, उनमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये होता है। और जो टॉप की रो होती है उसे हम कहते हैं, ये टेबल की बेसिकली जो कॉलम्स के नेम्स होते हैं या इन्हें हम टेबल हेडिंग्स बोलते हैं वो है। और ये वाली जो चीज़ सबसे ऊपर नज़र आ रही है, ये जो स्टूडेंट डेटा लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये कैप्शन आती है। तो HTML में अगर हम जनरेट करें तो या तो कैप्शन टॉप ऑफ द टेबल आएगी या बॉटम पे आएगी, डिफ़ॉल्ट टॉप पे है, ठीक है। और इसमें अगर आप लोगों ने यानी हमने स्टार्ट करना और टेबल का पेज कंस्ट्रक्ट करना तो स्टार्ट करते हैं। मैं बाकी और चीज़ें टेबल से जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, टेबल के टैग से एंड भी हम लोग टेबल पे करेंगे जब इसको एंड कर रहे होंगे, और बॉडी एंड हो गया, और ये मेरे पास HTML का पेज भी एंड। सिंपली टेबल में जब भी आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है तो जो पहला टैग तो टेबल का आ गया, तो हमेशा जो कॉलम्स आते हैं वो रोज के अंदर होते हैं, यानी पहले आप रोज कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके अंदर कॉलम्स। और दूसरी बात ये कि जो फर्स्ट रो होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, टेबल हेडिंग। तो उसका और बाकी जो हमारे पास कॉलम्स है उसका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वेरिएशन आएगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे ऊपर टेबल क्या होता है, टेबल की कैप्शन होती है, तो उसका पहला टैग हम लोग कैप्शन ही देते हैं। अब वही वाला टेबल जनरेट करते हैं जी, स्टूडेंट डाटा और कैप्शन को एंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास टॉप पे डिफ़ॉल्ट में कैप्शन आ जाएगी। अच्छा, और एक बात और कि टेबल का अगर हम लोगों ने बॉर्डर भी शो करवाना हो, यानी जैसे वो सिंगल लाइन बॉर्डर था, तो आप लोग बॉर्डर भी देते हैं, नहीं देंगे तो आपका डाटा तो आएगा लेकिन बॉर्डर कुछ नहीं होगा। तो बॉर्डर अभी वन दे रहे हैं, इसको हम रिमूव करके बाद में देखेंगे कि अगर नहीं देते तो क्या है हमारे पास। तो सबसे पहली रो अगर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है तो पहला टैग क्या होगा, टेबल रो। टेबल रो के लिए TR का टैग होगा हमारे पास, और उसके अंदर पहली रो जो होगी हमारे पास वो बेसिकली टेबल हेडिंग है, उसके अंदर हम लोग TH देंगे। पहला हमारे पास क्या है जी, रोल, हमने कहा था जी नंबर होगा, और पहला TH हमारे पास एंड हो गया है। और अगला हमारे पास TH जो है वो नेम का है, उसको भी हम लोग एंड कर रहे हैं। और थर्ड वन जो था वो हमारे पास क्लास, उसको भी हमने एंड कर दिया। ये तो तीन हमने हेडिंग स्टार्ट की और तीनों को हम एंड करके अब टेबल रो को भी एंड कर रहा हूँ। ये नीचे एंड करना कोई ज़रूरी नहीं है, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं जब भी नई रो स्टार्ट करूँगा तो उसको इसी तरह से लिखूंगा। इसको अब सेव करके जस्ट अभी इसको देखते हैं जी, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आती है, टेबल डॉट HTML। हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, हमारे पास एक टेबल आ गया और उसकी सिर्फ हेडिंग हैं, और इन यानी टेबल के जो स्ट्रक्चर आया उतना ही आया है जितना आगे उस उन हेडिंग हमारी विड्थ में थी। तो अभी पहले हम एक आधी रो जनरेट कर रहे हैं और फिर इस विड्थ को भी चेंज करके देखते हैं विड्थ कैसे चेंज होगी या इसमें क्या क्या चेंज आ सकता है। चलिए नई हम रो स्टार्ट कर रहे हैं, TR कुछ डाटा दे देते हैं उसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा ये एक और टैग आया जिसमें टेबल सेल के लिए TC नहीं है, क्या है, TD, टेबल डाटा, TD फॉर टेबल डाटा। तो रोल नंबर हम कह देते हैं जी 101 था हमारे पास, और TD को हमने एंड कर दिया। अगला हमारे पास TD है, और मैं अब इसका एंड भी TD लिख लूँ और इनको
कंट्रोल सी करके एक दफ़ा पेस्ट भी कर, इसमें मैंने नाम लिखना है तो वसीम अहमद लिख देता हूँ मैं, और क्लास चलें जी बी एस सी एस लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ दोबारा से F5 से, या रीलोड कर लें जैसे भी करना है, सॉरी रीलोड तो नहीं हुआ, यहीं से रीलोड कर लेते हैं। तो ये डाटा दूसरे वाला देखें, नेम बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली ये सेल की विड्थ भी बढ़ गई। अब अगर मैं ये अपनी मर्ज़ी से विड्थ मेंशन करना चाहूँ, दो तरह से दे सकते हैं आप लोग, या तो आप लोग पिक्सल्स में दें, पिक्सल्स में दें, या क्या देंगे आप लोग विड्थ, मैं कह देता हूँ जी इसकी विड्थ जो है वो 500 पिक्सल्स है और हाइट जो है वो 300 पिक्सल्स। इसको सेव करता हूँ और इसको दोबारा से रीलोड करवाता हूँ, देख कुछ इस तरह से मेरा टेबल आ गया। अच्छा, आप इस टेबल में देखें एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, जो टेबल हेडिंग्स हैं वो हमारे पास सेंटर अलाइन है और थोड़ी सी बोल्ड हैं, थिक हैं। बाकी जो डाटा आ रहा है वो हमारे पास लेफ्ट अलाइन है और ये के नॉर्मल टेक्स्ट में है। तो बेसिकली टेबल हेडिंग का और टी कह लेंगे टी एच का और टी डी का यही फ़र्क है। तो टी एच होता है वो सेंटर अलाइन होता है और बोल्ड होता है, और टी डी जो होता है उसमें डाटा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेफ्ट अलाइन होता है और सेंटर में होता है। अच्छा, अब ये तो था, चाहे देखें मैं अभी इस पेज को जो वेब पेज है इसको छोटा करूँ या बड़ा करूँ, इसकी इस पर कोई इफेक्ट या फ़र्क नहीं आ रहा, एक ही जगह ये स्टिल ये फिक्स है। रेजोल्यूशन डिफरेंट आएगी, ये फिर भी इतनी ही स्पेस लेगा। इसकी बजाय जो मैं प्रेफर करता हूँ या जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग विड्थ और हाइट इन परसेंटेज 50% और इसको मैं अगर 30% से कर देता हूँ तो क्या होगा, इसको रीलोड करते हैं हम लोग। अच्छा, आप अगर मैं इसको स्मॉल छोटा करता जाऊंगा तो इसका साइज़ भी छोटा होता जाएगा, और बड़ा करता जाऊंगा तो ये भी क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिकली उसी तरह से ग्रो करेगा, यानी ये रिलेटिव हो गया बाकी डाटा के साथ, उसी तरह से बढ़ेगा या छोटा होगा। और अगर इसको मैं टेबल को यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और इसको ही मैं अलाइन भी सेंटर इसके अंदर भी पास कर सकता हूँ अलहदा से भी, मैं कहता हूँ जी ये अलाइन इज इक्वल टू सेंटर है। अब ये टेबल अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से, सेंटर में रहेगा। अब देखिएगा ज़रा इसका इफेक्ट, यानी सेंटर में ही रह रहा, बड़ा भी कर रहा हूँ तो भी सेंटर में ही आ रहा, और इसकी विड्थ मैंने 50% रखी थी तो ये हमेशा इस साइड से भी 25% खाली रहेगा, इस साइड से भी 25% खाली रहेगा और दरमियान में 50% रहेगा, और इस साइड पर मैंने 30% की थी तो उतना ही आ रहा। अगर मैं इसको इस साइड से ग्रो करूँगा तो ये नीचे को बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज में देने का थोड़ा सा ये एडवांटेज हो जाता है अगर आप लोग इस तरह से इसको विड्थ और हाइट पास करें। बाकी ये बॉर्डर अगर मैं नहीं देता तो अभी से ज़ीरो कर देता हूँ या नहीं देता ये, तो क्या होगा, बॉर्डर नज़र नहीं आएगा, सिर्फ डाटा ही नज़र आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 2-3 कर दूँ तो उतना ही बॉर्डर मेरे पास थिक होता जाएगा। ये 3 कर देता हूँ, मैं सेव भी कर देता हूँ और रीलोड करवाता हूँ तो उतना ही बॉर्डर थिक हो गया मेरे पास। अच्छा, अब अगर मैंने इस बॉर्डर को कलर देना हो तो क्या है मेरे पास ऑप्शन, बॉर्डर COLOR इज इक्वल टू रेड कर देते हैं तो मेरे पास बॉर्डर का जो कलर है वो रेड हो। ठीक है। अच्छा, अब सेम सिचुएशन अगर मैं बैकग्राउंड देना चाहूँ तो बीजी कलर दे के भी मैं टेबल का भी दे सकता हूँ, एक कॉलम का भी दे सकता हूँ, एक रो का भी दे सकता हूँ। मैं पूरी यहाँ पे एक रो का कलर जो सेकंड रो है इसको चेंज करता हूँ, BGCOLOR इज इक्वल टू सिंपल, सेव करते हैं और रीलोड करवाते हैं तो इसका कलर पूरी रो का पिंक हो गया। लेकिन ये पूरी रो का पिंक है, से दरमियान वाले सेल का मैं कोई और कलर देना चाहूँ तो दरमियान वाला सेल कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको मैं कहता हूँ जी BGCOL कलर इज इक्वल टू ग्रीन कर देता हूँ तो क्या होगा, तो ये ग्रीन हो जाएगा।
ठीक है। यानी आप कह लें कि जो अगर हम बात करें स्कोप की, तो जो जो टैग सबसे नज़दीक होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। टेबल पे अगर कलर देंगे तो वो टेबल वाला, अगर आपने टी आर का और टी डी का नहीं दिया हो तो टेबल वाला चलेगा, अगर टी आर का दे देंगे तो टी आर वाला ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। वो बाकी जो टेबल है उस पर टेबल वाला ही चलेगा, उस टी आर पे वो वाला कलर जाएगा। टी डी का आप स्पेसिफिक कलर कर देते हैं तो देखिए, आज तो इस रो पूरी का पिंक था लेकिन मैंने इस सेल का क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, तो ग्रीन आ गया। अच्छा, इसी तरह से इन जो ये डाटा है इसकी लोकेशन भी है। बेसिकली जो डाटा है एक सेल में इस जगह पे आ सकता है, दरमियान में आ सकता है, इस जगह पे आ सकता है, राइट टॉप कॉर्नर पे, टॉप पे, सेंटर पे आ सकता है, टॉप पे, लेफ्ट पे आ सकता है, इसी तरह से इन तीनों जगह पे आ सकता है। यानी 9 प्लेसेस है जहाँ पे उसके डाटा आ सकता है। अगर इसको सेट करना हो, अगर तो आपने इसको सिर्फ दरमियान में सेट करना, तो क्या हमारे पास टैग है अलाइन। अगर आपने वर्टिकल सेट करना है तो वी अलाइन है, यानी वी अलाइन भी कर सकते हैं और अलाइन दोनों आप एक ही जगह पास कर सकते हैं। तो मैं एक रो का सेट करके दिखाता हूँ। अगर टेबल में दे देंगे तो वो टेबल सेट होगा, टेबल आएगा, जैसे हमने सेंटर किया था। तो मैं इस यहाँ पर टी आर का, इस टी आर का चलेंगे, क्या करता हूँ मैं अलाइन इज इक्वल टू, मैं सेंटर कर देता हूँ और सेव करने के बाद फाइल को दोबारा से जाके देखते हैं, तो ये जो डाटा होगा हमारा क्या होगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। वी अलाइन करेंगे, टॉप कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा डाटा। इसको ज़रा थोड़ा सा दोबारा थोड़ी सी और चेंजेस मैंने की हैं, एक रो नई ऐड अप की है मैंने, कहा ज़रा और रो आ जाए तो फ़र्क भी नज़र आना शुरू हो जाए। तो कुछ इस तरह का डाटा हमारे पास आ रहा है। इसको मैंने अलाइन सेंटर किया था, ये सेंटर आ गया, ये नहीं किया हुआ था, ये डिफ़ॉल्ट में हमारे पास लेफ्ट अलाइन है डाटा और सेंटर में ही है। करने लगा हूँ अब, अगर हमने बैकग्राउंड लगाना हो यानी टेबल के बैक पे, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वही पुराना एट्रीब्यूट है, बैक ग्राउंड इज इक्वल टू विन डॉट जे पी। एक फाइल थी यानी छोड़ दे दिया मैंने, और ये अब क्या होगा हमारे पास सेव कर दिया, ये टेबल के पूरे बैक पे ये पिक्चर आ जाए। अब वो पिक्चर आई है लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ी है इस वजह करके उसका सिर्फ एक कॉर्नर ही आया हमारे पास, ठीक है। बाकी कलर फ्रंट पे हैं तो कलर आ रहे हैं, अगर कलर हटा देंगे तो सारा वो बैक पे पिक्चर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप ये चाह रहे हो, हमने कलर भी देख लिए, डाटा भी देख लिया, अलाइनमेंट भी चेक कर ली, कैप्शन भी देख ली, अगर आप ये चाह रहे हो कि समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने कोई दो कॉलम मिक्स करके एक कॉलम बनाना है, ठीक है, मर्जिंग बोलते हैं जिसे नॉर्मली हम लोग मर्ज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या हमने दो रोज मिक्स करके एक सेल बनाना है, इस तरह की चीज़ अगर हमने करनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रो स्पैन और कॉल स्पैन। अगर आपने दो सेल्स को मिलाना तो दो को मिक्स करेंगे, जारी बात है इन दो को मिलाएंगे तो डाटा तो किसी एक का आएगा ना, फिर एक टी डी ख़त्म हो जाएगा। यानी जनरल अप्रोच ये रखनी है आपने कि जब भी दो को मिलाना है तो एक टी डी ख़त्म हो जाएगा, तीन को मिलाना है तो दो टी डी ख़त्म हो जाएगा, उनके अंदर का डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाना चाहूँ, और मैं अगर नहीं ख़त्म करता तो फिर भी बताता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा। से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वसीम वाले को, वसीम अहमद वाले को और BSES वाले को मिलाना चाह रहा हूँ, डाटा एक ही, अगर इसमें ख़त्म नहीं करता ये यहाँ बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मैं कहता हूँ जी कॉल स्पैन इज इक्वल टू टू, सेव करता हूँ,
और रीलोड करवाता हूँ तो देखिएगा, अगर मैंने टीडी ख़त्म नहीं किया, एक अलहदा से क्या होगा, हमारे पास कॉलम जनरेट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इस बात का आपने ख्याल रखना कि अगर आप कॉल स्पैन यूज़ कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, एक टीडी को वहाँ से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास एक नया कॉलम यहाँ पे जनरेट हो गया है इस सेल की वजह से, हम क्या करेंगे, इस टीडी को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे और इसको सेव करके देखते हैं तो हमारे पास प्रॉपर जो टेबल की शेप है वो वापस आ जाएगी और ये हमारे पास दो सेल, दो कॉलम्स को मिला के एक सेल बने। अगर इसी तरह से आप रो वाइज दो सेल्स को मिलाना चाहें, दो रोज़ को मिला के एक सेल बनाना चाहें, ये 101 वाले इसको मिलाना चाह रहे हैं अगर हम, तो फिर हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाली रो में हम क्या देंगे, पहले रो कॉस पैन दिया था, अब क्या देंगे हम लोग, रो स्पैन और जितनी आपको रोज़ को मिलाना है, दो रोज़ को मिलाना है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा इसी बात का ख्याल रखना कि डाटा आपका रिप्रेजेंट किस तरह से, मतलब अब मैंने इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया और इस सेल को नहीं ख़त्म किया तो नेम की जगह पे रोल नंबर आ गई, ये सारा डाटा हमारा क्या हो गया, इसकी फॉर्मेटिंग ख़राब हो गई है। तो ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको सेट करना होता है। अब इसको मैं मतलब ये वाली सेल को अगर उड़ाता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो प्रॉपर हमारा जो डाटा है प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा, नेम के नीचे नेम आ रहा है, क्लास के नीचे क्लास आ रहा है। बाकी ये तो हमने हमें हमने क्या करके देखा कि हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन को किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि अगर आपने एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो बॉर्डर है, यानी उसको ज़्यादा एक तो बॉर्डर यूज़ करते हैं, ये कि सेल की हमने स्पेसिंग ज़्यादा करनी, यानी एक सेल से दूसरे सेल का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग SPACING ई नहीं डालना आप लोगों ने। इसको मैं क्या करता हूँ, 10 पिक्सल अगर देता हूँ और रीलोड करवाता हूँ तो देखिए एक सेल से दूसरे सेल का जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि इस सेल से डाटा का डिस्टेंस कितना, मतलब यहाँ से कितना हो, ऊपर से कितना हो, ऊपर से इस जगह से पता चलेगा और इस साइड से हमें इस जगह से पता चलेगा, यानी राइट लाइन से डाटा कितना दूरी पे हो। तो इसके लिए हम लोग टेबल के ही टैग के अंदर यूज़ करते हैं सेल पैडिंग। इसको भी चले 10 पिक्सल दे के देखते हैं ताकि हमें ज़रा पता चले कि क्या डिस्टेंस वाकई नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑटोमेटिकली देखें यहाँ से 10 पिक्सल का डिस्टेंस यहाँ से बढ़ गया है और ये बिल्कुल टॉप लाइन टॉप के साथ जुड़ा हुआ था, ये भी 10 पिक्सल आ गया। तो अब जब भी इस सेल किसी भी सेल में डाटा देंगे तो चारों साइडों से वो 10 पिक्सल की डिस्टेंस पे होगा। तो ये हमारा जो टेबल का लेक्चर था वो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।